19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण हैं, इससे पहली वाली वीडियो में हम ये सब देख चुके हैं। पुनर्जागरण क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण किस देश में आया है और भारत में पुनर्जागरण कब आया है, ये सब हम इससे पहली वाली दो वीडियो में विस्तार से देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो पुनर्जागरण है उसका क्या मतलब है, ये भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पुनर्जागरण का मतलब है कि भविष्य और अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। कैसे है कि जो हमारा पास्ट है, पास्ट की जो कमियां थी वो हमें क्या है प्रेजेंट में सही करनी है, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है वो क्या हो सके सुरक्षित हो सके। तो पास्ट की कमियों को प्रेजेंट में सही करना, जिससे कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके, इसी को ही पुनर्जागरण कहते हैं। इसलिए पुनर्जागरण क्या है, भविष्य और अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। जो विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण आया था वह यूरोप के इटली में आया था, ठीक है। ये हम पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली जो दो वीडियो हैं वो देख लेना कि यूरोप में जो पुनर्जागरण कैसे आया था और इटली में पुनर्जागरण के क्या कारण थे और 18वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे, ये भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। जो भारतीय पुनर्जागरण है, भारतीय पुनर्जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। यानी कि भारत में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक या अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण की भारत में शुरुआत होती है वो बंगाल से शुरू होती है। बंगाल में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग पुनर्जागरण की शुरुआत करते हैं और जिसके जो अग्रदूत थे वो राजा राम मोहन राय थे। अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की पुनर्जागरण में क्या भूमिका थी जिसके कारण बंगाल में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर होता है। 1809 में एकेश्वर वादियों का उपहार नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी जो कि फारसी भाषा में थी, ठीक है। तो इन्होंने 1809 में एकेश्वर वादियों का उपहार लिखा था। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट दे रही हूँ हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर उठा के देखना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको, सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि एकेश्वर वादियों का जो उपहार है कब शुरुआत होती है, तो 1809 में होती है और ये इसकी शुरुआत किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है और फारसी भाषा में की है। इसी लाइन से आपके चार क्वेश्चन बन जाते हैं। 1814 और यह 1815 में इन्होंने आत्मसभा की स्थापना करी। देखो मैंने यहाँ पे दो डेट दी हैं, ईयर दिए हैं, एक है 1814 और दूसरा है 1815। जो 20 माना जाता है वो एनसीईआरटी को माना जाता है और एनसीईआरटी में भी जो पुरानी एनसीईआरटी हैं उनको 20 माना जाता है और पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में एक साल का अंतर आता है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी जिस चीज़ को 1814 कह रही है वही नई एनसीईआरटी 1815 कहती है, इसलिए अगर 1814 आता है तो वो भी सही होगा, अगर 1815 आता है वो भी सही होगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आता है उसको टिक कर सकते हैं। तो आत्मसभा की जो स्थापना है 1814 या 15 में इन्होंने की है, किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। अगला पॉइंट है कि 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक, और 1820 में इन्होंने ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ये इन पॉइंटों से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है। किसकी सहायता से की है, तो डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है।
जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इससे पहली वाली वीडियो में उन्हें डिस्कस किया था, ठीक है। और इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी समाचार पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया था। ये दोनों चीज भी राजा राम मोहन राय की है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। और अगला है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। और कब की है? 1828 में की है। ब्रह्म समाज पर हम अलग से पूरी चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, फिर इसकी को आगे किस किसने संभाला ब्रह्म समाज को, और ब्रह्म समाज का पहला डिवीजन कब हुआ है और दूसरा डिवीजन कब हुआ है, और डिवीजन होने के पीछे क्या क्या कारण थे, ये सब देखेंगे, ठीक है। अगला है जो मुगल सम्राट थे अकबर सेकंड, है ना, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजा की उपाधि किसने दी है, तो अकबर सेकंड ने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और ये 1833 में राजा राम, जो ये आपके मुगल सम्राट अकबर सेकंड थे, इनके दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर के दरबार में इन्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? जो ये आपके मुगल सम्राट अकबर सेकंड थे, इनकी पेंशन में वृद्धि हेतु इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था, और जहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी ये कहते हैं कि मृत्यु कहाँ हुई है? ब्रिस्टल में हुई है, 1833 में हुई है, जब मुगल सम्राट अकबर सेकंड की पेंशन के लिए विलियम फोर के दरबार में जाते हैं। जो राजा राम मोहन राय है, उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, सेतु क्यों कहते हैं? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि पुनर्जागरण क्या है, भविष्य और अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। और पुनर्जागरण की शुरुआत भारत में किसके कारण हुई है? राजा राम मोहन राय के कारण हुई है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को भविष्य और अतीत के मध्य सेतु माना जाता है। भारतीय राष्ट्र का जनक भी कहा जाता है, और आधुनिक भारत का पिता और आधुनिक पुरुष आदि नामों से पुकारा जाता है। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, इसी लाइन से आपको ये आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 5 के 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 5 क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुके हैं। आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक। तो राजा राम मोहन राय को इन नामों के आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, कि ये नए भारत के पैगंबर हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा है, तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा है।